होली के दौरान होली का नशा होली प्रेमियों पर इस कदर छाया रहता है कि वो होली के रंगों में सराबोर होने या करने से पहले ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि सामने वाले इंसान पर इसका क्या असर होगा। वो तो बस अपना काम कर जाते हैं और इसी बीच लोगों को कुछ परेशानियां भी झेलनी पड़ती है, जिसमें से एक नोटों का रंगों में रंग जाना भी है। नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हर साल होली में सभी लोगों की एक कॉमन समस्या होती है कि उनके साथ साथ उनके नोट भी होली के रंग में रंग जाते हैं। आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे, यानी आपके पास मौजूद रंग लगे नोट या फटे नोट हो तो फिर उसका आप क्या करेंगे, क्योंकि ऐसे नोटों को मार्केट में चलाना मुश्किल हो जाता है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे आपके फटे और रंग लगे नोट भी बैंक ले सकती है और कैसे आपके असली और नए नोट भी बैंक लेने से मना कर सकती है। अगर होली खेलने के दौरान जेब में रखे आपके नोटों में रंग लग गया हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से ऐसे नोटों को बदलवा सकते हैं। आप इन रुपयों को बैंक में ले जाकर आसानी से बदलवा सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट हो गए या सार्वजनिक बैंक आपके रंग लगे या कटे फटे और मुड़े नोट लेने से मना नहीं कर सकती। आप रिजर्व बैंक के एक्सचेंज काउंटर से भी नोट बदल सकते हैं। इसके लिए आपको आधार नंबर की एक फोटोकॉपी वहां पर जमा करनी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 3 जुलाई 2017 को एक सर्कुलर यानी परिपत्र जारी किया गया था। यह सर्कुलर इसके बारे में ही है कि बैंक कौन से नोट ले सकती है और कौन से नहीं। तो आपको बता दें कि परिपत्र के मुताबिक नोट पर किसी तरह का राजनीतिक स्लोगन लिखा हो तो वैसे नोट आरबीआई स्वीकार नहीं करेगी, उसे कोई भी बैंक मान्य नहीं करेगा। मतलब ये कि ऐसे नोट पूरी तरह से रद्दी माने जाएंगे, फिर चाहे उनकी वैल्यू कितनी भी हो। परिपत्र के मुताबिक जानबूझकर फाड़े गए नोट भी मान्य नहीं होंगे। वैसे तो ये पहचान करना मुश्किल होगा कि नोट जानबूझकर फाड़े गए हैं या फिर गलती से फटे हैं, लेकिन आरबीआई का ये भी कहना है कि अगर नोटों को ध्यान से देखा जाए तो ये पता कर सकते हैं कि नोट जानबूझकर फाड़े गए हैं। अगर आपके पास भी रंग लगे हुए या कटे फटे नोट हैं तो वे आसानी से एक्सचेंज हो जाएंगे, वसरते नोटों पर ज़रूरी जानकारी मौजूद होनी चाहिए। इसी जानकारी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।